नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि आज प्रदेश व्यापार मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारी प्रदेश महामंत्री विशाल मूर्ति भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष लव दत्ता, प्रदेश सचिव अक्षत गर्ग व प्रदेश अध्यक्ष उमान का फूलमालाएं पहना करके स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष लव दत्ता ने कहा कि व्यापारियों की युवा टीम व्यापारियों के हक के लिए लड़ेगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का व्यापारी के साथ एक परिवार के जैसा संबंध होता है और उस संबंध को बनाए रखने के लिए हम हर प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा, कोरोना संक्रमण काल में व्यापारियों ने सरकार की हर तरह से मदद की है। जिस तरह से सरकार ने व्यापारियों को चलने के लिए कहा, किसी भी तरह की कोई शिकायत किए बिना व्यापारियों ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया है। लेकिन अब व्यापारी इतना टूट चुका है कि अगर व्यापारियों को सरकार की ओर से किसी तरह की कोई आर्थिक मदद ना दी गई तो व्यापारी आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों की ओर ध्यान दे। प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीव चौधरी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको मैं बखूबी अच्छी तरह से निभाऊंगा और यही मैं आश्वासन पूरी यहाँ की जनता को और पूरे व्यापारियों को देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर मिली है, मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे दी है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, पूरे प्रदेश में पूरी प्रदेश की जनता को पूरी प्यार से मोहब्बत की जाएगी और जितने भी कार्य होंगे, जो भी व्यापारियों के कार्य होंगे, जितने कार्य होंगे उनको हम पूर्णतः पूरा करेंगे और कंधे से कंधा मिला के अध्यक्ष जी के साथ हम खड़े रहेंगे। पहले तो मैं हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष व्यापार मंडल के, जो लगातार एक लंबे समय से संघर्ष अपनाए हुए व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरा एक मन था कि मैं संजीव के साथ एक उसे सहयोग करके इस लड़ाई इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें, व्यापारी हित की लड़ाई लड़ने का काम करें। जहाँ तक कि आज प्रशासन ने जिस तरह का व्यापारियों के साथ मतभेद करा है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, लेकिन एक दशक से अगर हम देख रहे हैं, लंबे समय से व्यापारी संघर्ष कर रहा है, कोरोना के नाम पर बैकफुट पर आ गया है, उसके बावजूद भी व्यापारियों को बढ़ाने के लिए सरकार कोई अपना अहम भूमिका नहीं निभा रही। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लालकुआ के हल्दू चौड़ के शिवपुरी इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत गिर जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जबकि दूसरे घायल मजदूर को गंभीर अवस्था में हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक मजदूर फहीम की कोतवाली लालकुआ निवासी के रूप में शिनाख्त हुई है। वहीं दूसरे गंभीर रूप से घायल मजदूर का नाम पप्पू बताया जा रहा है, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों मजदूर अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये इंदिरा आवास सहकारी कॉलोनी हलचौड़ में, यहाँ पर मकान का जो है पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, तो मजदूर उसको स्लैब को तोड़ रहे थे, तो स्लैब वो पलट गई, जिसमें दो मजदूर दब गए, जिसमें से एक को तत्काल जिनकी मृत्यु हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें हल्द्वानी ले गए हैं और ला करके फिर उनको निकाला, और पुलिस वाले आए थे और 108 में उनको भी अस्पताल हल्द्वानी ले गए। लगभग अभी हो गया है एक घंटा हो गया इस वक्त। और ऋषिकेश में बैराज कॉलोनी निवासी महिला से मारपीट का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब मारपीट के आरोपी पार्षद शौकत अली और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन लगातार उग्र हो रहे हैं। हिंदू संगठन मंच के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर इंस्पेक्टर से गिरफ्तारी पर जवाब मांगा है। जवाब में पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पुलिस के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अब हिंदू जागरण मंच ने शनिवार से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन किस रूप में होगा, अभी इसकी कोई जानकारी हिंदू जागरण मंच ने नहीं दी है। हमने जो समय दिया 4-5 दिन का पुलिस को हमने समय दिया, उसमें हमें संतुष्टि का जवाब नहीं मिला और उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब हिंदू जागरण मंच ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आंदोलन का रूप क्या होगा वो हम जाकर के तय करेंगे और उसके बारे में फिर कल से या परसों से कार्रवाई शुरू। संगठन के साथ में इसमें सब हिंदू भाई शामिल होंगे, इसमें टोटल हिंदू भाई शामिल होंगे। इसमें हिंदू जागरण मंच के साथ साथ, हिंदू जागरण मंच तो एक संगठन है,
लेकिन वो संगठन हिंदुओं का संगठन है और सब हिंदू भाई लड़ेंगे, लड़ाई जो है सब हिंदू भाई मिलकर लड़ेंगे। ऋषिकेश देहात पेयजल योजना के अंतर्गत प्रगति विहार इंदिरा नगर नेहरू ग्राम में नलकूप के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर ये शुभारंभ किया है। जल संस्थान विभाग द्वारा ऋषिकेश में THDC गेट नंबर 1 पर आयोजित नलकूप भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान 67.28 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिकेश देहात अर्ध नगरीय पेरी अर्बन पेयजल योजना के पहले चरण के कार्य का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जोन 1 में इंदिरा नगर नेहरू ग्राम प्रगति विहार शैल विहार को रखा गया है। इस योजना के माध्यम से जोन 1 में 550 किलोलीटर का जलाशय एक नलकूप एवं 12.20 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य किया जाना है, जिसका शुभारंभ आज नलकूप के भूमि पूजन से किया गया है। योजना के लिए जब ये ग्रामीण क्षेत्र का ये इलाका इस टाइम से मैं इसे प्रयासरत था, अब ये नगर निगम में जुड़ा है जो हमारा इलाका ग्रामीण क्षेत्र वाला, और 67 करोड़ की लागत से अब आप देखिए शिवाजी नगर एक ऐसा मेरा इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था कि जहां बहुत प्रयास करने के बाद भी हम जल की स्थिति में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन ऐसे इस योजना से पूरे क्षेत्र को आच्छादित जल के द्वारा किया जाएगा और लगभग ये 30 साल की आगामी योजना को दृष्टिगत काम हमने यहाँ से आज इसका शुभारंभ किया, भूमि पूजन किया है। 5 जोन में बनने वाला काम जिसमें 8 ट्यूबवेल लगेंगे और जितनी जनता यहाँ की है ये आने वाली जो 30 साल की जनरेशन है उसको दृष्टिगत हमने जल का जो आवश्यकता थी यहाँ की उसके लिए हमने यहाँ प्रयास किया, आज इसका शुभारंभ किया। मैं तमाम लोगों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, स्थानीय हमारा जो विभाग है उसको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं कहना चाह रहा हूँ 2022 तक, 2022 के एंड तक मेरे विधानसभा क्षेत्र का हर घर नल से आच्छादित होगा, यानी कि जल की कोई समस्या नहीं होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से हरेला पर्व की शुरुआत की है। राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति के संरक्षण का पर्व माना जाता है। ऐसे में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है और उन वृक्षों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हरेला हमारा एक त्यौहार है और इस त्यौहार को हम प्रकृति संरक्षण का त्यौहार मानते हैं और इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि अधिक से अधिक जो आज कोरोना के समय में जो हमारे सामने पर्यावरण का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, जिस तरीके से आज पर्यावरण संरक्षण की तरफ जो है हम लोगों को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इस दिन हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हमने यही आह्वान किया है। और पेड़ लगाए ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी करें, क्योंकि यह प्रकृति संरक्षण का दिवस भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को सभी को अपनी तरफ से आज के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरे उत्तराखंड राज्य में आज हरेला पर्व मनाया गया। उसी के चलते आज भेल हरिद्वार में भी पौधारोपण कर इस पर्व को मनाया गया है। इस मौके पर भेल हरिद्वार के निदेशक संजय गुलाटी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भेल प्रशासन आगे भी इस तरह से पौधारोपण के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करता रहेगा। भेल परिसर में हरेला पर्व पर पौधारोपण करने पहुंची ब्रांड एम्बेसडर HRDA हरिद्वार यशस्वी शर्मा ने भी पौधारोपण करते हुए कहा कि पौधे हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान इन पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन का है। ब्रांड एम्बेसडर ने कहा कि हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें पौधे लगाने होंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हम भी सुरक्षित होंगे। हरेला पर्व उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। एक आज की स्थिति में जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है, तो उसके संदर्भ में देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और इसकी सारी जो है प्रेरणा हमें ये जो छोटी सी बच्ची है यशस्वी, इसी से मिली है और इसी से हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और एक मेडिसिनल क्यारी बनाई है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये ड्राइव आगे भी हम आगे ले जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के और बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर के। हरेला पर्व हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्व होता है और इसमें हम प्लांटेशन अभियान चलाते हैं। मैं आज बताना चाहूँगा कि आज BHEL में हमारे जो आयुर प्लांट अभियान के तहत यहाँ पर एक मेडिसिनल पूरी क्यारी बनाई गई है और इसमें एलोवेरा, तुलसी और गिलोय के पौधे लगाए गए हैं, जो भविष्य में लोगों को
स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ जो पर्यावरण सुरक्षा है दोनों प्रदान करेंगे। तो इसी क्रम में पुलिस लाइन हरिद्वार में भी हरेला पर्व मनाया गया। इस दौरान पुलिस लाइन में 100 फलदार व छायादार वृक्ष लगाए गए, साथ ही जनपद के कार्यालयों और कोतवाली थानों में भी वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि आज के समय में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महीने एक वृक्ष जरूर रोपित करें, जिससे कि हम पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। इस मौके पर शहर के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रात्रों में हम लोग हरियाली बोते हैं, इसे उसी प्रकार से समझ लीजिए। अंतर केवल इतना है, इसमें 5 या 7 प्रकार के अनाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बीज इस्तेमाल किए जाते हैं, और जिस प्रकार से हरियाली हम काटते हैं उसी प्रकार से हरियाली काटी जाती है। ये माना जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में ग्राम पंचायत पेंडुला में ग्राम प्रधान संजय कुकसाल के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा हरेला पर्व मनाया गया। ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थानों व ग्राम पंचायत परिसर में पौधारोपण कर यह पर्व मनाया है। ग्राम पंचायत प्रधान संजय कुकसाल का कहना है कि पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवन में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है, हम सभी पेड़ पर निर्भर हैं और जीवन जीने के लिए प्राणदायिनी वायु हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है, इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और उन्हें काटने से रोकना चाहिए। इस दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंडोला प्रधानाचार्य मकान लाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुष्पा देवी, बीना देवी, उत्तरा देवी, शशि देवी सहित उदाव लखेड़ा आदि भी मौजूद रहे। आप सभी को प्रकृति को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हम आदिकाल से हमारे पूर्वज प्रकृति को संरक्षण करने हेतु मनाते आए हैं। हमें भी जितना अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण कर सकें हमें अवश्य करना चाहिए, तथा कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर ये प्रकृति, ये पेड़, ये जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा भी मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। रानीपुर के गांव गढ़मीरपुर में कोतवाली रानीपुर की चौकी सुमन नगर के चौकी इंचार्ज अनुरोध व्यास व उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ ईद उल उजहा की नमाज व अन्य धार्मिक परंपराओं के लिए जारी गाइडलाइंस को लेकर बैठक की। जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज ने बताया कि इस बार भी ईदगाह और मस्जिदों में केवल 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे, बाकी अन्य ग्रामीण अपने अपने घरों में रहकर ईद उल उजहा की नमाज अदा करेंगे। चौकी इंचार्ज ने लोगों से आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्यौहार मनाए जाने की अपील की और कहा कि त्यौहार पर शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए सभी को क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखना है और किसी गड़बड़ी की आशंका पर तुरंत पुलिस को सूचित करना है। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए जारी गाइडलाइंस को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। उसी के मद्देनजर SSP हरिद्वार के द्वारा सभी थाने चौकियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में लोगों के साथ बातचीत कर सभी को प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। बकरा ईद के कुर्बानी के संबंध में मीटिंग हुई और इसमें जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मीटिंग करी गई। इसमें मतलब ईद की नमाज़ जो होगी तो वो 5 आदमी ही ईद की नमाज अदा करेंगे। अब जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसी के पालन करवाने के संबंध में रखी गई थी और हम सभी को जैसे पूर्व में ही हम सबको जानकारी है कि जैसे कि नमाज पढ़ते हैं तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही उसका पालन किया जाए और जो भी 5 आदमी की जो भी सरकार के दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप शासन प्रशासन का हमें सहयोग करना है। आने वाली 21 तारीख को जो ईद उल अजहा का जो त्यौहार है ये प्रशासन ने जो मीटिंग ली है ये इसी के लिए ली है कि भाई शांतिपूर्वक और भाईचारा बनाए रखे ईद उल अजहा के त्यौहार के मौके पर। और इसमें प्रशासन ने जो ये मीटिंग की है इसमें भाईचारा और जो कुर्बानी है उसको लेकर कि भाई कोई भी गंदगी ना फैलाए और ईद की जो नमाज होगी वो ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों के लिए इजाज़त है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित का देवस्थान के विरोध को लेकर अनशन आज 15वें दिन भी जारी रहा। इसी के साथ आज इस विरोध प्रदर्शन को 35 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं 5 मंदिर समिति के सचिव दीपक सेमवाल ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस बोर्ड पर किसी भी प्रकार की सकारात्मक
पहल नहीं की है, जिसके लिए चार धाम के तीर्थ पुरोहित ने खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा, सरकार ने जो देवस्थानम बोर्ड के चारों धाम के सदस्य इस बोर्ड में नामित किए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। वहीं सेमवाल ने कहा कि मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं और उन्हें चेतावनी भी देता हूं, सरकार ने चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों पर ये काला कानून थोपा है, उसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। जिस तरह हमारी पूर्व परंपरा से पूजा अर्चना चल रही थी, उसे उसी तरह चलाने की कोशिश की जाए। देवस्थानम बोर्ड एक्ट के खिलाफ जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो 35वें दिन आज चला है और मैं उत्तराखंड भाजपा सरकार से निवेदन करता हूं, उनको चेतावनी देता हूं कि वो देवस्थानम बोर्ड जो बनाया है, काला कानून जो हम पे थोपा गया है, इसको जल्द से जल्द उसको निरस्त करें और जो हमारी पूर्व व्यवस्था चल रही थी, जो हमारी पूर्व परंपरा से यहाँ पे पूजा व्यवस्था चलती थी, उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाए। आज हम समस्त चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसका 35वां दिन है और सरकार इसमें अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक पहलू पे कोई भी निर्णय नहीं ले पाया है, जिसके लिए हम लोग चारों धाम के तीर्थ पुरोहित खेद प्रकट करते हैं और हम यह भी विरोध दर्ज करते हैं कि जो सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड में चारों धामों से इन्होंने नामित सदस्य उस बोर्ड में शामिल किए हैं, उनका भी घोर विरोध करते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गुरुवार को संजीवनी हर्बल गार्डन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। हर्बल गार्डन में 200 से ज्यादा गुणकारी औषधीय व फलदार पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने भी हर्बल गार्डन में पौधे रोपित किए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला कार्यालय परिसर के एक हिस्से में काफी लंबे समय से खाली जमीन थी, जिसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से नहीं किया जा रहा था, इसलिए इस जमीन को हर्बल गार्डन में बदलने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल व उनकी टीम ने इस जमीन को हर्बल गार्डन के रूप में विकसित किया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पर्यावरण प्रेमियों व औषधीय पौधों के शोधकर्ता व कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उद्घाटन के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर हेमंत कुमार वर्मा, डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल आदि उपस्थित रहे। जो ये जमीन थी, यहाँ पर काफ़ी पहले वेस्ट की तरह यूज़ होती थी है और काफ़ी यहाँ पे झाड़ झंखाड़ कचरा आदि डाला जाता था, तो इसका एक सोचा गया था कि इसको डेवलप करके पार्क का रूप दिया जाए और इसमें फिर पोखरियाल जी ने इनिशिएटिव लेके हमको ये बताया कि हम इसको एक हर्बल गार्डन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके, उनके साथ पूरी टीम ने बहुत ही सुंदर कलेक्ट्रेट के पीछे की साइड इस लैंड में 200-250 औषधि मेडिसिनल वैल्यू की औषधियों के प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट्स, फलदार प्लांट, कई तरीके के जो हमारे उत्तरकाशी में ट्रेडिशनली मिलते हैं पौधे, उनको यहाँ पे लगाया है और उनका जो मेहनत है उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पे जो इनकी सोच है वो अन्य कार्यालयों में भी इसको हम ट्रांसफर करेंगे, कई ऑफिस में इन्होंने और शुरू भी कर दिया है। निम्न ऊंचाई के भी और हमारे ऊँची ऊँचाई के भी यहाँ पे पौधे हैं और जो कि आज जो है थुनेर से लेकर के और आपका नीचे से जितने भी जो रुद्रास वगैरह उनसे थे कि यहाँ पे पूरे 150 प्रजाति की, मैं समझता हूँ कि मतलब जो हमने पलेट ला रखे 150 पलेट ला रखी है, तो इसी ऊपर हम इसको लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से ये यहाँ के लिए, उत्तरकाशी के लिए और जितनी भी आने वाली पीढ़ी के लिए और मेरे पूरे कलेक्टेड परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं और जिसे ऑक्सीजन मिलेगा और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब इस तरह से मिक्स फॉरेस्ट बनाया जाए ताकि हमें पर्यावरण बचेगा और इसी में हमारे प्लान भी रुकेगा और आय के स्रोत भी ज़्यादा होंगे और ताकि हम इन्हीं जो है मतलब हर्बल गार्डन से अपने आजीविका का भी मतलब लाभ ले सकते हैं। देश के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शुक्रवार को देहरादून में मीडिया से मुखातिब हुए। इस मौके पर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं किया है, हालात इतने खराब हैं कि आज पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादा होने की वजह से इसका प्रभाव सभी सेक्टर पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार इसे लेकर सिर्फ हवाई दावे कर रही है। राजनीति में बहुत से आरोप लगाए जाते हैं, मैं समझता हूँ आरोपों का जवाब देकर उनको बल देने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के निर्मठ कर्मठ सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, हर कदम हमारा उस दिशा में चलता है। हमारी सरकार जहां जहां बनी है
चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारी सरकार का दायित्व पूरा निभा रही है। और आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को उसके दांत खट्टे करने का काम अगर किसी ने किया तो मैंने किया, अध्यक्ष होते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मंगलौर कोतवाली में तैनात एक सिपाही की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि धीर सिंह नामक सिपाही रात की ड्यूटी पूरी कर अपनी कार से अपने घर सिडको लौट रहे थे, उसी समय ये हादसा हुआ। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में SP देहात प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि घर वापसी लौटते वक्त ये दुखद हादसा हुआ है। मृतक कांस्टेबल मंगलौर कोतवाली में तैनात थे। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। ये मंगलौर थाने में तैनात एक कांस्टेबल धीर सिंह जो आज रात की शिफ्ट ख़त्म करके जा रहा था, उस रास्ते में खड़े एक ईंट के जो ट्रक है उसमें एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है और उसमें जो भी आवश्यक लीगल कार्रवाई है वो उसके हमारे द्वारा की जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसान हित में कई अहम फैसले किए हैं। उन्होंने बताया कि देश में कुछ राजनीतिक दल किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश भर के किसान जानते हैं कि साहूकार के चक्कर से किसानों को छुड़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे और 3 कृषि कानून विधेयक भी किसानों के हित में लाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हरिद्वार में शनिवार को किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। आज 1,35,000 करोड़ का कृषि बजट रखा गया है। किसान सम्मान निधि उसी के लिए दी गई है, 6,000 रुपए की सालाना। आज नीम कोटेड पहले यूरिया को आपको ध्यान होगा, यूरिया के नाम पर लोगों को लाठियां खानी पड़ती थी DAP और यूरिया के लिए। आज यूरिया सहजता और सरलता से मिलता है। अभी 140% का अनुदान केंद्र की सरकार ने किसानों को यूरिया और DAP के लिए दिया, तो निरंतर किसान की आय बढ़े इस बात की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, किसान रेल के माध्यम से, ई मंडियों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की उन्नति हो, इसके लिए लगातार काम चल रहा है और निश्चित रूप से किसान की आय दोगुनी होगी। हल्द्वानी में आज कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत के आवास पर उत्तरांचल नगर निगम कर्मचारी संघ के लोगों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री जी के आवास पहुंचे। वहीं पुलिस ने इन लोगों को आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट ने कैबिनेट मंत्री से फोन पर बात कर वहां आए लोगों को आवास में जाने दिया, जहां आवास पर कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने उनकी बातों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जितनी भी मांग होंगी इस सरकार के सामने रखी जाएंगी और जल्द ही इन मांगों को निस्तारण कर दिया जाएगा। वहीं वंशीधर भगत ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी हमारे साथी हैं और ये लोग अपनी मांग को लेकर मेरे आवास पर आए और मैंने इनकी मांगों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया है जो मैं शासन तक पहुँचा दूंगा। स्वच्छता कर्मियों द्वारा उत्तरांचल स्वच्छता कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आज मुझे 14 सूत्री मांग पत्र दिया गया है। ये तरीका है अपनी बात कहने का। इन्होंने अपनी बात बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से रखी है और मैंने भी कहा है कि इनकी बात को पहले दिन 20 तारीख को अधिकारियों के साथ बैठक कराएंगे और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के सामने इनकी बैठक कराएंगे और जो भी इनमें संभव होगा यथासंभव कोशिश करेंगे कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।